अगर आप होटल राठी में आके आप पंजीयन कराना चाहेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये वाली जो पंजीयन सेंटर है ऋषिकुल मैदान पे शिफ्ट हो चुका है। तो आपको ऋषिकुल मैदान पे जाना होगा। ऋषिकुल मैदान यहाँ से 2 किलोमीटर है, आपको यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा। यहाँ से 10 रुपये का किराया है, आप 10 रुपये किराया दे के वहाँ पर जाके, वहाँ पे सारे बंदोबस्त किया गया है, बैठने का कूलर वूलर सारे बंदोबस्त। यहाँ पे कुछ बंदोबस्त था नहीं, थोड़ा ही बंदोबस्त था, और जगह भी आप देख रहे हैं कितना छोटा था। यहाँ पे लंगर चल रहा है, देख रहे हैं कितनी तेज जल रही है यहाँ पे, जगह सकरा है, इसके वजह से यहाँ पे जल की धारा और भी तेज लगती है। ये जो आप देख रहे हैं ऋषिकेश बाईपास का मार्ग है, ये देख रहे हैं सारे लोग इधर से आ रहे हैं, क्योंकि मेन जो मार्ग है अपर रोड वो बंद कर दिया गया है। पार्किंग अभी हम हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। अभी देख रहे हैं दोपहर के 1 बजे का दृश्य, आज रास्ता बंद है, पैदल रिक्शा एक ही दिखाई दे रहा है देख रहे हैं, और यहाँ पे रास्ता बंद होने के बाद आपको पैदल ही आना पड़ेगा करीबन 1.5 किलोमीटर कोतवाली के पास से। और दूसरी बात, अगर आप 500 मीटर चलना चाहेंगे तो आपको ऋषिकेश बाईपास से आना होगा, जो कि 500 मीटर चलना पड़ेगा। पूरे घाटों पे भीड़ नज़र आएगा, ऐसे हम आज आपको इधर से जाके दिखाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, चार धाम की यात्रा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास, तो आप वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी मिलेगी। भीड़ ज़्यादा है, रुके कहाँ, होटल नहीं मिल रहा है, तो आप सिंगल है, सिंगल को रूम नहीं मिलता, तो आप कहाँ रुकेंगे, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लंगर चल रहा है, टाइम हो चुका है, जैसे कि हम आपको एग्जैक्ट बताएं 1:19 हुआ है और यहाँ पे लंगर चल रहा है, देख रहे हैं। ये है लंगर, और यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो भीमगोड़ा जाएंगे, अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो आप जाएंगे सीधे हर की पैड़ी अपर रोड। देख रहे हैं लोगों की संख्या, इस ब्रिज से कहें तो इस ब्रिज से भारी लोग आ रहे हैं हर की पैड़ी की ओर, और भारी लोग जा रहे हैं पंजी पार्किंग की इधर, और काफ़ी सारे लोग भगवान शिव की 108 फीट ऊँची मूर्ति के दर्शन करने भी जाते हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे जूता स्टॉल है, अगर अभी इस मार्ग से होके जाएंगे तो जूता स्टॉल में चप्पल जूता रख के इधर हर की पैड़ी की ओर आप प्रवेश करेंगे, देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या हर की पैड़ी में, पूरे घाट फूल है और गंगा जी की धारा तेज है और काफ़ी ज़्यादा मटमैली। चलते हैं पूरे घाट को उधर दिखाएंगे आपको। सामने 2 ब्रिज और दिखाई दे रहे होंगे, एक तो है शिव ब्रिज और दूसरा है संजय सेतु। चल रहे हैं नीचे की ओर, देख रहे हैं इधर से लोग जा रहे हैं हर की पैड़ी की ओर चप्पल जूता निकाल के। यहाँ पे चल रहा है लंगर, देख रहे हैं, और 2 बजे ही लंगर यहाँ पे चलता है। सिस्टमेटिक तरीके से बैठ के भोजन करते हैं यहाँ पे। अभी हम चल रहे हैं नीचे की ओर, और आप ये देख रहे हैं एक और जूता स्टॉल, जूता स्टॉल की कमी नहीं है। और आप इधर देखेंगे माँ गंगा की बहती जल की धारा, लोगों की स्नान करने का अद्भुत तरीका। ये देख रहे हैं काफ़ी सारे चेंजिंग रूम है, हमारे माता और बहनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये सुविधा मिल जाएगा चेंजिंग रूम की।
देख रहे हैं पूरे घाटों का दृश्य। जब हरिद्वार आते हैं तो आपको ये टावर जरूर आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी रहे 2 किलोमीटर पहले से ही ये टावर दिखने लग जाता है। इधर 2 किलोमीटर है तभी दिख पाएगा, क्योंकि इधर काफी सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जिसकी वजह से टावर नहीं दिखता, लेकिन 1/2 किलोमीटर से जरूर दिखने को मिलेगा क्योंकि सीधे घाट है। देख रहे छांव है यहाँ पे, तो लोग बैठे हुए हैं, छांव का थोड़ी सी अभाव यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा छांव है, जहाँ पे लोगों की भीड़ देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, और एक यहाँ पे छांव है। सबसे बड़ा घाट और सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे होता है, भीड़ आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूजा की विधि हो रही है, ये आप देख रहे हैं, ये है धनुष सेतु। श्रद्धालु हर्षी पैदी के कार्यों में अपने हरिद्वार को याद रखते हैं। गंगा तरह की ओर से प्रचारक देख रहे हैं कितनी तेज जल है यहाँ पे, जगह सकरा है, इसके वजह से यहाँ पे जल की धारा और भी तेज लगती है, काफी ज्यादा रेत मिट्टी है। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश बाईपास की ओर। देख रहे हैं जल की धारा, ये है प्रमुख जल की धारा, काफी तेज है। ये है ऋषिकेश बाईपास से आने का मार्ग, इधर से भी आप ऋषिकेश बाईपास की ओर जा सकते हैं। आज हम फिर इधर से चलेंगे क्योंकि हमने आपको इधर का दृश्य कभी दिखाया ही नहीं। इधर से सारे जो लोग आ रहे हैं वो पार्किंग से आ रहे हैं, और उधर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग ई रिक्शा से भी आते हैं, क्योंकि जो मेन मार्केट है वो बंद होने के बाद इधर से ही लोग आते हैं। देख रहे हैं इधर से जाएंगे तो अब धनुष सेतु में चले जाएंगे। देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं भाई।